नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं जी आपके अपने चैनल साहिल डेयरी फार्म पर। दोस्तों, वीडियोज के माध्यम से आप लोगों के एक से काफ़ी शानदार मुर्रा पशुधन दिखाने का जो प्रयास, और आज उसी प्रयास को बढ़ाते हुए आज की जो हमारी कवरेज, आज की वीडियो लेके आ रहे हैं जी किसान डेयरी फार्म से। और जैसे कि हम सब जानते हैं, जब जब हमने किसान डेयरी फार्म से कवरेज हमने की है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का पशुधन है वो हमें देखने को मिलता है। चाहे बात करें हम जी बाकड़ी भैंसे हो, या फिर हम बात करें जी ताज़ा बेबी भैंसे हो, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की देखने को मिलती है जी। और क्वालिटी के साथ साथ जो रेट वाइज है वो भी हमें पशुधन कहीं ना कहीं जायज देखने को मिलता है। तो जैसे कि आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं भाई सज्जन, इनसे जो कि पशुधन की जो डिटेल्स हैं वो ले, लेकिन उससे पहले जो भी भाई आपके अपने चैनल पर पहली बार जुड़ा है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि इन फ्यूचर हम जो न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलवाना चाहेंगे भाई सज्जन से, और जो पशुधन की जो डिटेल्स है वो भाई सज्जन से लेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्ते साहिल, ठीक हो? कैसे हो भाई साहब? बहुत बढ़िया भाई जी। और भाई काम कैसा चल रहा है? भाइयों का प्रेम भाई। ठीक है जी। तो पिछली वीडियो का भाई साहब पशुधन था वो सारी साइड, ठीक है जी। हाँ, तो आज कैसा कैसा रहेगा भाई साहब पशु? भाई साहिल आज तीन तो प्रेग्नेंट है, ठीक है जी, और एक बच्चा दी हुई है भाई, एक ब्याई हुई है और तीन ज्ञापिन है, तीन ज्ञापिन, ठीक है। जो पहले नंबर पे पशुधन खड़ा है भाई साहब, क्या कुछ डिटेल्स है इसकी? साहिल भाई, ये आपकी वीडियो से बाकड़ी गई थी, ठीक है जी, और आज लगभग दो तीन दिन तो और भी हैं बहने में, बाकी देखो पशु आया थोड़ा सफर करके, क्या पता बच्चा आज भी दे, ठीक है जी। तो देखिए, जब भाई साहब की हमने बाकड़ी भैंसों की कवरेज हमने की थी, तो भाई साहब ने कहा था कि जब ताजी ब्याई हो जाएगी, या फिर बात करें हम ब्याने के बिल्कुल नज़दीक आ जाएगी, तब भी हमें लेने के लिए जो कि तैयार कटड़ी इसकी उन्होंने रख ली है भाई, कटड़ी साथ में थी, ठीक है जी। और रही बात दूध पीक की साहिल, 15-16 मुझे पीक का बताया गया था, ठीक है जी। अब देखो मेरे घर तो साहिल इसने उस टाइम बच्चा दिया नहीं था, लेकिन अगर 5-6 महीने का प्रेगनेंट पशु 10-11 किलो दूध रखता है तो इसका मतलब पीक का अच्छा ही होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो देखिए जी, बिल्कुल मुट्ठी वाला जो थन है, लेकिन सब पशुधन में लगा हुआ है, खाने पीने की दाने की और क्वालिटी तो साहिल कहने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो देखिए जी, बिल्कुल सिंगल हड्डी का पशुधन है, बारीक जो चामी पीछे से अडर में किसी भी प्रकार का अनबैलेंस नहीं, और जो मिल्क वेन है, जो फोर अडर है वो आप देख सकते हैं जी, नसों से बिल्कुल भरा हुआ जो पशुधन है वो देखने को मिला है। तो भाई सब बात कर लेते हैं इसके रेट की। देख भाई साहिल, एक अच्छी पेमेंट लगा के तो लेके आए, अपन नाकदे मौके का रेट करा, पर एक लागत भर का पशु लावा साहिल, सारा रिस्क है। बिल्कुल जी, आज भाई बच्चा दे दे खड़ी करके दे देंगे, क्योंकि एक अच्छी लागत अपनी भी लाग रही है, बाकी अच्छी लागत अपनी वाह होती कोनी की 2 लाख हो, 2.5 लाख हो, फिर भी एक बजट में ही है, लेकिन साहिल देखो आई है थोड़ा सा, ये की पशु अप डाउन कर दे, 2 दिन लेगी तो और भी अच्छी बनेगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ ठीक, बाकी अप्रोक्सीमेटली देंगे अपना, वो ही लमसम रहता है साहिल, ठीक है, रेट कभी ना गलत हुआ है तो इसका रेट मौके पे करोगे? हाँ, इसका रेट होगा भाई, बच्चा दे देगी 2 दिन में, तब कर लेंगे, क्योंकि भाई क्या बन लेगा, ठंड फड़वा के देंगे भाई, फूल की जिम्मेदारी, ठीक है जी। तो बात कर लेते हैं भाई सब, जो दूसरे नंबर पे पशुधन है साहिल भाई, कल बच्चा दिया था, कल बच्चा दिया है, अडर आप खुद देख लो, बिल्कुल जी, 7.75 किलो खीस भैंस का निकला है, 7.75 किलो, हाँ तीसरी बार की होगी भाई, तीसरी बार की है, हाँ नीचे है। इसके शायद मेल काफ है, साथ में जो कि मेल काफ है वो आपको एक बार मैं दिखाना चाहूंगा, हाँ, नीचे जो सूंड है वो आप देख सकते हैं जी, बिल्कुल कच्चा जो सूंड है, साथ में मेल काफ है, एक बार खोल के चला के दिखा दीजिए, नीचे जो इसकी जो अडर की जो क्वालिटी है काफी जबरदस्त, जो लेवा है बिल्कुल मुट्ठी वाला जो थन है वो हमें देखने को मिला है। तो भाई सज्जन, चुवाई के नीचे की कैसी? चुवाई की दिखा देंगे साल, क्या बात हो, ठीक है जी, चुवाई की जो धार मार के देखने वाला खुद अंदाजा लगा लेगा साल, ठंड से ही अंदाजा लग जाता है पशु दूध का है या नहीं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। लेकिन चलो वो ये देखिए जी, तो क्या कुछ दूध की रिपोर्ट रही है? रिपोर्ट साल 17+ की है भाई, बाकी गर्मी है, मेहनत कोई करेगा तो इतने से तो नीचे रहेगी नहीं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। चाहे निकाले ये 20 पर कहेंगे 17+ की है, ठीक है, 17 दे दे, 18 दे दे, और काफी है भाई इस गर्मी में, ठीक है जी। तो देखिए जी, 17 kg जो दूध है पिछले लैक्टेशन में निकाला हुआ है, साथ में मेल काफ है, फोर अंडर आपको एक बार दिखा देना चाहूंगा भाई, प्रदीप कहाँ पे एक बार धार मार के दिखा देगा, नीचे से जो पोजीशन है वो आप यहाँ पे जैसे कि जो देख सकते हैं, बिल्कुल मुट्ठी के आकार का जो थन है वो पशुधन में लगा हुआ है, सिंगों की बात करेंगे शरीर पे जमता हुआ है। बात कर लेते हैं भाई सज्जन, रेट की बात कर लेते हैं साहिल भाई, रेट है मंगन के चेक करवा लो साहिल 35-40,
1,28,000 रुपए की सेल करोगे। ठीक है, 1,28,000 रुपए की भैंस टूटी है ना, भैंस में वजन वजूद खूब है भाई। बिल्कुल जी बिल्कुल। और नीचे की बनतर बढ़िया ले रही है। बिल्कुल, हल्की हो तो हल्की कह देंगे, कोई बुराई को नहीं। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो देखिए भाई सज्जन की यही बातें अच्छी लगती है कहीं ना कहीं हमें, क्योंकि जो बातें होती हैं वो आपको सुस्पष्ट वीडियो में ही क्लियर करते हैं। नुक्स होगा तो नुक्स बताएंगे, अभी हानिकारक है वो भी बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। अब आ जाओ, दूसरी बार कानून करेगी सर। दूसरी बार ठीक है, और एक बार अडर पे फोकस कर लो। ये देखिए जी, आगे नाभि से लेके इसका भी बिल्कुल टेल से टच होता हुआ अडर, और दूसरे ब्यात में काविंग करेगी। कितना टाइम जगह बची हुई है साहिल? कितना टाइम बचता है जी का? है इसके 4-5 दिन अगर लेगी तो। ठीक है जी, पशुपालक भाइयों से जरूर कवर करके दिखाना चाहिए। सींग इतना बढ़िया सींग है वो आप देख सकते हैं। पीछे से जो लेवा है वो आप देख सकते हैं जी, पशुधन का नीचे से जो लेवा है काफी अच्छा देखने को मिला। 5 दिन अभी से जो की काविंग के इसके बचते हैं। 5 ले ले साहिल से, आज भी आ जाओ। क्योंकि लेगा वहाँ भाई। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये देखिए जी, जो गर्दन की जो लंबाई है, लोटी छोटी थन का आकार है, गर्दन है, सींग है, बहुत जबरदस्त। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये देखिए पीछे से, और एक बार कॉरिडर है वो भी मैं आपको कवर करके दिखाना चाहूंगा जी। ये देखिए नसें हैं अंडर में, वो हमें साफ साफ कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है जी। ये देखिए थनों में जो स्पेस है वो काफी अच्छा, और दूध की क्या कुछ रिपोर्ट रही है? दूध भाई साहिल 14-15 किलो दूध जोटड़ी ने नॉर्मल दे रखा है। अच्छा जी। और ये चीज कहने की कोनी, मन माने 12 वाली भी 18 दे दे, 18 वाली भी 12 दे दे। हाँ हाँ हाँ। लेकिन रोब जोटी का ये मान के चल साहिल भरेगी, उस दिन देखने की चीज है भाई। ठीक है जी। तो देखिए जी, दूसरे लैक्टेशन का पशुधन है, 4 से 5 दिन काविंग के बचते हैं, और 14-14.5 किलो जो दूध है फर्स्ट लैक्टेशन में इसने निकाला हुआ है। बाकी पोजीशन है वो आप देख सकते हैं। रेट की बात कर लेते हैं भाई सजन। भाई साहिल ओडोड लेटा लिया के तो कोई 55 कोई 160 घटांदा ही को नहीं। लेकिन आज भी वही रेट रखा जो पहला था। अच्छा जी। 1,30,000 रुपए जोटी ने सेल करांगे भाई। 1,30,000 रुपए की? हाँ। ठीक है। अरे वहाँ पशु साहिल फिर कहूँ हूँ, बाखड़िया तो ताजा लेना तो ताजा तो बाखड़ी भी ले लेंगे। बिल्कुल, कहना आसान है भाई, फुट बाय फुट का अलग तो दिखेगी, कहने की जरूरत को नहीं। बिल्कुल जी बिल्कुल। और इतना डर आगे ना, इतना पीछे ना, और ब्याह की उस टाइम पर तो और भी निखरेगी। क्योंकि भी तो जगह पड़ी है भाई। बिल्कुल जी, काफी ज्यादा जगह है। ये देखिए, और सब आओगे मामले वाली बात आ जाए, साहिल खुला छोड़ देंगे, कोई मतलब को नहीं भाई। बिल्कुल, गाना दौड़न गाना कुछ नहीं। ठीक है, ये देखिए तो 1,30,000 रुपए इसकी कॉस्ट रखी है जी। लेवे का पशुधन है, लेवा तो काफी अच्छा देगी, सीधा डंगर का पाव होगा भाई। कहने में तो केजा घर घर खड़ी है। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए तो 1,30,000 रुपए इसकी कॉस्ट रखी है। बात कर लेंगे भाई साहब जो चौथे नंबर पे एक है, बात आ जा भाई, मीडियम और चाहिए डंगरा के लिए, क्योंकि सारे महंगे लेने की साल। दो दांत है, दो दांत जोटी है, 10 दिन बैठ के रह रहे हैं, हफ्ता भी छोड़ो, 5 दिन भी अगर यह लेगी तो अपने कोई चीज बनका। बिल्कुल, ये देखिए नीचे का जो पोजीशन बढ़िया बनका वो हमें काफी अच्छा देखने को मिला। बिल्कुल मुट्ठी वाला कितनी है वो इसने विकसित किया है, जगह आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा तीसरा की भैंस का पुट्ठा हो है, फर्स्ट टाइमर में है भाई, वो देखिए जी, और टेल है लगभग जेड ब्लैक है भाई, कोई जेड ब्लैक बाय बर्थ है यार। इसको खोल के चला के दिखा दीजिए, फर्स्ट लैक्टेशन की जोटी है जी, दो दांत, और बात करेंगे लगभग 10 दिन जो कि इसके काविंग के बचे हुए हैं। सींग पीछे की तरफ राउंड होके है लेकिन शरीर पे जमता हुआ है। और बात करेंगे जी जो फेस वैल्यू है वो आप देख सकते हैं, गर्दन की लंबाई है वो आप देख सकते हैं जी, दो दांत जोटी, पीछे का जो पोजीशन है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला जी। ये देखिए पीछे से जो लेवा है वो हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला, और रेट वाइज मैं बताना चाहूँगा काफ़ी अच्छी ही जोटी आपको देखने को मिलेगी, और लेवा काफ़ी अच्छा रखेगी जी। मैं खुद से आपको बताना चाहूँगा, जहाँ तक अपना अभ्यास है, काफ़ी अच्छा लेवा रखेगी, काफ़ी अच्छे दूध की रहेगी जोटी। बाकी नीचे का जो पोजीशन है वो हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला। आगे से जो फॉरवर्डर है वो भी मैं आपको एक बार कवर करके दिखा देना चाहूँगा जी। ये देखिए बात आ सर, डांगर आवे है थोड़ा सा करे, लेकिन जोटी ज़्यादा तक कम आगे 13 किलो तक घटेगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इसके रेट की भाई साहब। रेट सेल सिर्फ 97,000 रुपये। ठीक है, 97,000 रुपये इसकी कॉस्ट रखी है जी। कोई भी पशुपालक भाई लेना चाहते हैं तो भाई सज्जन से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बात और थी भाई, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, आप बीमार होते हो भाई, डॉक्टर के पास जाते हो गए, यकीन पी किस पे करके गए हो, डॉक्टर पे ही गए। बिल्कुल जी बिल्कुल। डॉक्टर ही बीमारी बताएगा, डॉक्टर ही आपका इलाज करेगा, वहीं आप लोगे, आराम होगा तो ठीक है ना, दूसरों को दिखाओ। बिल्कुल जी। बकरी भैंसों का काम आपने भी किया और हमने भी किया,
तीन चार दिन से फोन आ रहे हैं, कोई नहीं आके यूट्यूब के ऊपर बोलेगा, पर करना जरूरी है। बिल्कुल ये हम लेके आते हैं, फिर चेक करवा के। बिल्कुल ये फिर यहाँ आके चेक होती है। अनफॉर्चुनेटली अगर पशु 20 से 25 दिन ऊपर कर लेता तो देने वाले का भी खोट नहीं है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और जब लेने वाला जाता है वो अपनी पूर्ण संतुष्टि करके जाता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। अगर वो डबल बचाता तो हमें नहीं देता। अगर कुछ दिनों ऊपर नीचे हो जाए तो पेशेंस रखना पड़ता है। बिल्कुल जी राइट। और रही बात मेरी, भाई मैंने तो जेब से भरा लोगों का, लेकिन फिलहाल ये सिचुएशन मेरी ऐसी है भी नहीं भाई कि भाई मैं हर किसी के साथ ये करता फिरूं। एक आध पशु होता है भाई जो कर देता है। मेरे गांव में भैंस है, हर बार चैरिटी में रिकॉर्ड होती है वो। अच्छा जी। 23-23.5 किलो दूध की है, 26 दिन ऊपर लेती है साल। किसका कसूर है भाई? बिल्कुल जी, वो तो देखिए टाइम के हिसाब से। दूसरी बात, किसी भाई को डाउट लगे आ जाना हॉस्पिटल में, रिकॉर्ड दिखा दूंगा। खुद हॉस्पिटल में रखे हो, टिक्का रखी हुई भैंस, सवा सवा भी ना ऊपर जा रही है। बिल्कुल। तो उसमें किसका कसूर है भाई? किसी का नहीं। 5-4 हजार रुपए कमाते हैं वही भैंस, लेकिन उसके बदले आदमी इस तरह बिहेव करता है। लेते समय तो भाई विश्वास है, भाई ये है, जब तो भाई भाई अपना मुनाफा तक छोड़ रखा है। ऐसी ऐसी बहस दे रखे हैं साहिल। और रही बात आपके सामने आई है, जिस भाई को दी थी ना 3 महीने के अंदर अंदर 40,000 मुनाफा दे के लेके आया हूँ भाई। ये देखिए जी, 3 महीने के अंदर 40,000 रखनी नहीं आती भाई। बिल्कुल जी बिल्कुल, रखनी नहीं आती के। सही बात है, रख लेते हैं, लेकिन व्यापार का काम है जी, देना भी पड़ता है पशुधन, क्योंकि व्यापार में। दूसरी बात, 5+ की गैप बनती, 8वें महीने तक दूध दे रही है, 8 किलो से ड्राई हो रही है ये। तो मान ले 2-3 महीने हो गए उसके, 8 किलो का एस्टिमेट लगा लेंगे सर, 70 का भाव। बिल्कुल जी। 50 का लगा लो, छोड़ दो, 8 किलो दूध मानो, 10 भी मत मानो, 50 का भाव में कितने का हो गया? बिल्कुल जी, ये देखिए जी, कैलकुलेट कर लेगा ना। मार्जिन तो उड़े भी देकर जा रही है यार। बिल्कुल जी। पर लोगों का बिहेवियर ऐसा, एक बाइक और फोन आया था, जोटी साइल 3.25 लाख की ताजी बिक रही थी वो। अच्छा जी। जोटी दे रखी है 10-20 दिन ऊपर है। फोन अवला भाई ऐसे, मैं एक काम कर भाई, 2.5 महीने हो गए बोला, हाँ 2 महीने की बता रहे, 2-2.5 महीने बच्चा दे, मैं ऊपर लग रही, हाँ 30,000 प्रॉफिट दे रहा हूँ, फिर भी नहीं दे रहे। बिल्कुल जी बिल्कुल। फिर आदमी का किसका कसूर भाई? अब अगली बात पे आ जाओ, 5 दिन पहले फोन आता है कि भाई भैंस नजदीक नहीं, मैं चेक करा ले भाई, झूठे लगे मेरी वापस भेज देना, कोई दिक्कत नहीं, पेमेंट ले लेना। उसके बावजूद कल फोन आता है कि भैंस ने बच्चा दे दिया। एकदम से कैसे दे दिया भाई? बिल्कुल जी। उसका कारण मैं बताता हूँ, कोई नहीं बताएगा, डॉक्टर बुला के टिक्का लगवा दिया, ओवर ईट हुई, ओवर ईट होके बच्चा दिया। जब तक वो सेट नहीं होगी, दूध कहाँ से देगी? कहीं से नहीं देगी। सही बात है। ये जो जल्दबाजी लोग करते हैं ना कि उसको ऊपर थोप देंगे, उस पे लिए अपने मुकद्दर का मिलेगा। बिल्कुल। आज मैं ये पशु लेके आया हूँ तो मैं मेरी नजर का लेके आया, मेरी किस्मत है, मुझे मुनाफा देगा, नुकसान देगा। बिल्कुल। पिछले 4 महीने में 2 भैंस मरी, अगले की लागत दे के आया हूँ। बिल्कुल। 1 रुपया नहीं। और ना उन लोगों की तरह फोन करके अगले को टॉर्चर किया, भैंस लेके आया था भाई, मर गई कुछ कमर कर, पूरी पेमेंट दी है साहिल। ठीक है। और लोगों की तरह काम नहीं किया, 24-24 घंटे के इंजेक्शन लगवा के फूल दिखाने वाली भैंस नहीं चढ़ाई। अब एक आपकी वीडियो से गई, उस भाई का फोन आया कि सजन भाई थोड़ा फूल दिखा दिया, मैं अब इंजेक्शन लगवा ले। सही बात। ठीक हो तो ठीक ना, फोन कर लिए, कोई जिम्मेवार को नहीं होता, लेकिन यहाँ तक देवा तो थोड़ी बहुत जो अपनी बना वो देवा अगले तक। बिल्कुल जी सही बात। लेकिन पब्लिक का ऐसा हो रहा, अच्छी निकला तो पैसा लगा रखा है, और नहीं तो अगले ने जाके कर दो। ये कोई तरीका थोड़ी है यार, दूध देख लेंगे, धार देख लेंगे, फिर जाके बोला हाथ हाथ मथन ना आता भाई, उससे जनता कसूर थोड़ी है। बिल्कुल जी बिल्कुल सही बात। और एक बार कैमरा कर लो उस साइड साइड, आपको भी पता है काम चल रहा है। ये देखिए जी, काम है वो काम चला चल रहा है। फिलहाल प्रेजेंट मार्केट में भी रहना, पशु भी लेना, पशु भी देना, लोगों के फोन भी उठाने, लोगों से बात भी करनी, हर तरह का काम मैनेज करना पड़ता है। लेकिन मेंटेलिटी क्या है, फोन करके खड़े हो जाएंगे, 10-10 फोन आ जाएंगे अगर एक बार उठा नहीं पाएगा तो। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। जबकि मैं फिर कहता हूँ वीडियो के थ्रू, अगर मैं फोन नहीं उठा पाऊँ तो भाई अल्टरनेट नंबर है वीडियो में, बिल्कुल आप उस पर कॉल कर लो। सही बात है, एक बंदा तो जरूर उठाएगा। बिल्कुल जी। लेकिन इस तरह से बार 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 टॉर्चर वाला काम मत करो भाई। ठीक है, मजबूरी हमारी भी लेके आते हैं साहिल, हमारे घर नहीं बनते। ठीक है जी। तो देखिए जी, इस बातों का जो कि आप ध्यान रखें, तो देखिए ये पशुधन आज की वीडियो में बिक्री के लिए उपलब्ध है जी। कोई भी पशुपालक भाई लेना चाहते हैं तो भाई साहब से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे जी किसी किसान के घर या फिर व्यापारी वर्ग के भाई के पास।